स्लिपवे ऑर्थो मैट्रेस लेकर आए हैं बेहतरीन क्वालिटी के मैट्रेसेस जो है कंफर्टेबल और ड्यूरेबल। 10 साल से हम मैट्रेस बनाते आ रहे हैं और हमारे पास होलसेल प्राइस में हर किस्म के ऑर्थो मैट्रेस अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है कृष्णा रेड्डी फंक्शन हॉल, दुर्गा नगर, अली कैफे एक्स रोड, अंबरपेट, हैदराबाद। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। मैं वॉस मोहिउद्दीन की वाइफ हूँ। संडे के दिन अदनान हुसैन संडे 14 के दिन रात में 9 बजे आके मेरे हस्बैंड का कत्ल कर दिया। यूके में ऑलरेडी हम लोग कंप्लेन करे थे उसके खिलाफ और यहाँ पे इंडिया में भी करे थे, कोई उतना एक्शन नहीं लिया पुलिस, जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ करा के नहीं करता। लेकिन फिर उसके बाद 1 महीने के बाद संडे के दिन आके मेरे हस्बैंड और मेरे को खींच के लेके जाके मेरे हस्बैंड का कत्ल कर दिया। प्लीज़ DCP से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द कोई एक्शन लेके उसको फांसी की सज़ा देना। मेरे 3 बच्चे हैं, हम लोग के ऊपर भी लाइफ थ्रेट है अभी भी। रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्द से कुछ एक्शन लीजिए। लास्ट टाइम जो उन लोग गलती करे, प्लीज़ ये बार मेरे हस्बैंड को इंसाफ दिलाइए। जय हिंद पुलिस। मेरा नाम सैयद अनवर मोहिउद्दीन है, मैं गौस मोहिउद्दीन का भाई हूँ। हम लोग जय हिंद कॉलोनी शेखपेट में रहते हैं। ये वाकया संडे 14 जनवरी का शाम का है, जब अदनान हुसैन आके मेरे भाई को घर से खींच लेके जाके रोड पे चाकू से भोंक के मार दिए। ये अदनान हम लोग जब यूके में थे, यूके में ट्रेट दे रहा था कि हम लोग की जान को मार देंगे, बच्चों को मार देंगे, भैया के भाभी को मार देंगे, ये ऐसे के ट्रेट दे रहा था। तो मैंने यूके में कंप्लेन किया, यूके में पुलिस वाले उसको लेके गए, 1 दिन रिमांड में रखे, उसके बाद उसको दूसरे दिन छोड़ दिए। वो लोग को ये बोला कि मैं इन लोग के पास नहीं जाऊंगा, मैं इन लोग से अभी कुछ वास्ता नहीं रखूंगा। उसके बाद वहां से उसकी जॉब चले गई, वो इंडिया वापस आया। यहाँ पे नवम्बर में मेरे भाई ने फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की थी। वो कंप्लेन में बहुत दिन उसके पास जाते रहे लेकिन कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। वो जब यहाँ पे आने के बाद दिसंबर में आने के बाद हम लोग जाके पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किए कि वो बंदा यहाँ पे आया। पुलिस ने कहा अभी उसने कुछ नहीं किया, ऐसा बताया। फिर बाद में पुलिस स्टेशन वालों ने कुछ एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद फिर दिसंबर में वो उनके मम्मी बोले कि मेरे बच्चे को नहीं करो, वो नहीं करो। उनके अम्मा आके बोले पेट भाई नए में पैरा पड़ती, मेरे बच्चा कुछ भी नहीं करता छोड़े तो। उसने बच्चे ने बोला कि मैं कुछ नहीं करूँगा, आप इसकी ज़िंदगी उन जी लेंगे, बोले तो खामोश बैठ गए। फिर अचानक जनवरी 14 संडे के दिन रात में आके घर से ले लेके जाके भूखे मार दिया। अभी भी वो इतना खतरनाक शातिर मुजरिम है, वो पुलिस वाले को बोल रहा, सेक्शन बोल रहा कि तू मेरे को, मैं इसको मार दिए तो मैं 3 महीने में छूट जाता हूँ, मैं 4 महीने में छूट जाता हूँ। लायर वो उसको पता है लायर कौन थी, उन्हें बोल रहा IPC सेक्शन ये सेक्शन है तो मैं इतने दिन में छूट जाता हूँ, ये सेक्शन है तो इतने दिन में छूट जाता हूँ। उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं मार दिया तो भी मेरे को कोई कुछ नहीं कर लेंगे। लेकिन कल फिल्म नगर पुलिस स्टेशन के ACP सर से और DCP सर से जब मैं बात किया, वो बोले कि अगर कुछ पुलिस की गलती भी रही तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे और जो भी अभी जो केस बना है उसको वो देखेंगे कि वो खुद पर्सनली सुपरवाइज करेंगे और मेरे को इंसाफ दिलाएंगे। जनवरी शाम में हुआ, तब मैं यूके में था। मुझे अचानक फ़ोन आया कि मेरे भाई का इंतकाल हुआ, अदनान हुसैन ने मेरे भाई को मार दिया। मेरे घर के अंदर से खींच लेके जाके रोड के ऊपर मारा। और ये मेरे भाभी को किडनैप करने देखा था तो मेरे भाई ने उसको रोकने गया तो उसको वो भोंक के मार के भाग गया। ये शेखपेट जय हिंद नगर में ये हादसा हुआ। मैं मेरे ACP सर से और DCP सर से ये रिक्वेस्ट है कि वो बंदा 1 दिन भी बाहर ना निकले, क्योंकि मेरे फैमिली को थ्रेट है, मेरे पास छोटे बच्चे हैं, उनको देखने वाला प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। ये मेक श्योर करे कि उसको वो जेल से असल बाहर ही नहीं निकले, अगर वो बाहर निकला तो फिर कोई हादसा होगा। ये FIR है
जे सेक्शंस।